हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ में होम माय स्टाइल। तो आज मैं करने वाली हूँ डे 7 का लुक, जो है काल रात्रि माता का डे। और जो उनकी पोशाक होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो मैंने यहाँ पे पहना है ग्रीन कलर का कुर्ता प्लाजो सेट, और ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया था। और हॉल आप मेरा चैनल पर देख सकते हैं इसका, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने ग्रीन मेकअप लुक क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, होप आप लुक को अच्छा लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज ekta_maheshwari65। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ यूजुअल मैंने अपना स्किन केयर कर लिया है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। और मैं ये लगा रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट अंडरकवर जेल प्राइमर। मेरे पोर्स को बहुत अच्छी तरह से फिल करता है ये प्राइमर, और बहुत अच्छे से ब्लर आउट करता है। और ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए परफेक्ट प्राइमर है, और इसे ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता है, बहुत ही परफेक्ट प्राइमर है। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन है। जो मेरा शेड है वो 220 नेचुरल बेज शेड है, और मेरी स्किन को परफेक्टली मैच आउट कर देता है ये वाला शेड। और मैंने डॉट डॉट करके लगाया है अपने फेस पे, स्प्रेड आउट किया है। उसके बाद मैं ब्लेंडर की हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए, वैसे बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है ये वाला फाउंडेशन। तो देखिए कितने अच्छे तरह से फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है। और फाउंडेशन लगाने के बाद मैं यूज़ करूँगी ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और जो शेड है मेरा वो 04 मीडियम पेज है, मेरा बेस्ट कंसीलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अफोर्डेबल रेंज का, 199 इसका प्राइस है। और मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर है, जो परफेक्ट होता है कंसीलर। आप अपनी स्किन टोन से एक या दो शेड लाइटर लें तो अच्छे से ये हाईलाइट कर देता है आपके हाईलाइटिंग एरियाज़ को। तो ये मैंने अपने अंडर आई एरिया पे लगाया है, आईलिट पे लगाया है, और जहाँ पे भी हाईलाइटिंग की ज़रूरत थी वहाँ मैंने सब जगह कंसीलर लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड किया है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो देखिए अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है। और उसके बाद मैं इसे सेट कर रही हूँ ये शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर से, और ये भी मैं ब्लेंडर की हेल्प से ले रही हूँ। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहाँ सब जगह इसे लगा के अच्छे से इसे भी डैब आउट कर रही हूँ, ब्लेंड आउट कर रही हूँ, तो जिससे मेरा जो कंसीलर है वो सेट हो जाए। इस पाउडर से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है कंसीलर, और बिल्कुल भी लाइन्स वगैरह नहीं रहती। अब मैं यहाँ पे ये आई शेडो पैलेट है, ये फैशन कलर की आई शेडो पैलेट है, और काफ़ी पुरानी है मेरी ये आई शेडो पैलेट। तो इसमें से मैंने ये लाइट ब्लू कलर लिया है, जो मेरे कुर्ता प्लाजो सेट में एक कलर है, तो उसे मैंने अपने आउटर वी पे लगा के और क्रीज लाइन में अच्छे से ब्लेंड किया है। इस तरह से मैंने शेप बनाई है, आई की शेप बनाई है दोनों आईज में, और पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने इसे अच्छे से लगा के और जहाँ पे लगाया है कलर बस वहीं वहीं पे ब्लेंड किया है, और कहीं पे भी मैंने इसे स्प्रेड नहीं किया है। और इत्मीनान से आप ब्लेंड कीजिए तो बहुत अच्छे से आई शेडो बनता है। तो देखिए कितने अच्छी तरह से आई की शेप मैंने इसे बनाया है क्रीज लाइन पे और आउटर वी पे। और उसके बाद मैं लूँगी ये ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, जो मेरे सूट से काफ़ी मैच करता हुआ है, और वो मैं सारी अपनी आईलिड पे स्प्रेड कर दूँगी। और ये भी मैं फ्लैट शेडर ब्रश से ले रही हूँ, पतला सा फ्लैट ब्रश लिया है मैंने, और आईलिड पे अपने अच्छे से स्प्रेड करके और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ पूरी अपनी आईलिड पे। और फिर उसके बाद मैंने लिया है ये गोल्डन शेड, ये शिबरी शेड है, और आईलिड के ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर लगाया था उसके ऊपर थोड़ा गोल्डन इफेक्ट देने के लिए मैंने गोल्डन कलर लगा दिया है। ग्लिटर सा है थोड़ा सा, इसमें चंकी पार्टिकल्स हैं इसमें, तो बहुत अच्छा सा लुक दिख रहा था आई का। और ये मैंने पूरी अपनी आईलिड पर स्प्रेड कर दिया है फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और देखिए कितने अच्छे से मेरा आई शेडो क्रिएट हो गया है। और इसके बाद बस मैंने ये ही एक गलती कर दी थी कि ये येलो शेड से उस ऊपर से मैंने इसे ब्लू और येलो कलर को ब्लेंड कर दिया था। अगर मैं ऐसे ही छोड़ देती बिना येलो कलर के ब्लेंड करे तो ये बहुत अच्छा लगता, लेकिन उसके बाद भी अच्छा लग रहा था, लेकिन येलो कलर इतना ज़रूरी नहीं था, बट मैंने यहाँ पे
गड़बड़ कर दी थी। फिर उसके बाद जो मैंने ब्लू कलर लिया था ना अपनी क्रीज लाइन में लगाने के लिए, वही मैंने अपने लोअर वाटर लाइन के नीचे लगाया है, और ग्रीन कलर भी थोड़ा सा उसके साथ मिक्स करके स्मज आउट किया है नीचे लोअर वाटर की लाइन के नीचे। तो देखिए इस तरह से मेरा जो आई शेडो है लग रहा है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। ये मैंने ब्लू हेवन का स्केच आईलाइनर लिया है, और छोटा सा विंग बना के मैंने आईलाइनर क्रिएट किया है। बड़ा विंग नहीं बनाया है, छोटा सा ही बनाया है। तो देखिए इस तरह से मेरा आईलाइनर क्रिएट हो गया। और अब मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ, और ये वेगा का कर्लर है, और अच्छे से अपनी अपर आईलैशेस को कर्ल किया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये लॉरियल का वॉल्यूम मिलियन लैशेस एक्स्ट्रा ब्लैक मस्कारा, और बहुत अच्छे से वॉल्यूम दे देता है ये मस्कारा। अगर आप डेली के लिए मेकअप कर रहे हैं तो लैशेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है मेकअप, तो आप इस तरह से अगर अपनी आईज़ को छोड़ेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो अच्छे से मैंने कोट किया है मस्कारा को अपने लैशेस पे, तो बहुत वॉल्यूम मिल जाता है लैशेस। अब मैं लगा रही हूँ काजल वाटर लाइन पे, लोअर वाटर लाइन पे, और बहुत लाइट सा मैंने काजल लगाया है, जस्ट ब्लैकिश इफेक्ट देने के लिए मैंने बस एक कोट ही लगाया है काजल का। तो देखिए इस तरह से बस ये एक ही बार में स्ट्रोक लगाया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने शैम्पेन कलर लिया है, और इससे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, और ब्रॉ बोन को भी हाईलाइट करूँगी। तो ये हो गई है मेरी आईज़ कंप्लीट, आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, तो ये मैंने ब्लू हेवन की सिग्नेचर आई पैलेट से ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके अपनी आईब्रोज़ फिल करी हैं बहुत अच्छे से। इन वाले कलर से मेरी आईब्रोज सेट फिल हो जाती हैं, और फिर स्पूली ब्रश की हेल्प से मैंने उसे जो भी मैंने कलर प्लेस किया है अच्छे से उसे ब्लेंड आउट किया है आईब्रोज़ के अंदर ही, तो बहुत नेचुरल से दिख रही है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं स्पूली ब्रश से, ये स्प्रेड हो गया है। तो ये हो गई मेरी आईब्रोज़ कंप्लीट। और उसके बाद मैं कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। ये किस ब्यूटी का कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग पैलेट है, इसमें से कॉन्टोर शेड लेकर मैं जहाँ पे भी कॉन्टोरिंग करनी है अपनी चीक्स की और जॉलाइन के नीचे, सब जगह मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, नोज़ की कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग से बहुत आपका फेस स्लिम सा दिखता है, तो कॉन्टोरिंग ज़रूर कीजिए अगर आपने फाउंडेशन हैवी लगाया है तो। और अब मैं लगा रही हूँ ब्लश, और ये है शुगर का मिनी ब्लश, शेड है 05 कोरल क्लाइमेक्स, और बहुत अच्छा सडल सा कलर दे देता है ये, पीची सा कलर। तो इसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे से सेट कर रही हूँ अपने मेकअप को, और ये है ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे, और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब आउट कर रही हूँ, क्योंकि ये एब्जॉर्ब थोड़ा लेट होता है इसलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे एब्जॉर्ब करवाती हूँ। और उसके बाद मैं कर रही हूँ हाईलाइटिंग, और ये भी शुगर का हाईलाइटिंग पैलेट है 01 चैम्पियन इसका शेड नंबर है, और हल्की सी हाईलाइटिंग की है। तो देखिए हाईलाइटिंग के बाद फेस कितना अच्छा सा दिखता है। और उसके बाद मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। और फाइनली अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक, और ये लॉरियल की सिग्नेचर रियू सिग्नेचर लिपस्टिक है, और जिसका शेड है 121 आई चूज। बहुत ही सुंदर कलर है, और मेरे इस मेकअप लुक के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। और ये न्यूड पिंकिश से शेड है, और थोड़ा डस्की सा पिंक कलर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने छोटे छोटे से इयररिंग्स पहन लिए हैं, ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किए थे, और छोटी सी बिंदी लगा ली है, और इसी के साथ मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है आज का मेरा मेकअप लुक। होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारा शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लव यू एंड टेक केयर।